अध्याय 23वां और 24वां श्लोक। यह शास्त्रं विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। यहाँ पर एक और बिंदु समझ लेने वाला है शास्त्र। सबसे पहले मैं इनका सरल अर्थ देता हूँ। बहुत प्यारे श्लोक हैं, दत्चित होकर के सुनिएगा, आपको अपने जीवन के अनेकों प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक के माध्यम से मिल जाएंगे। कई बार मन में यह दुविधा आती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई बार मन में संशय उठता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं क्या मेरे अनुसार है, क्या ये मुझको करना चाहिए क्या या इसको छोड़ देना चाहिए। यह प्रश्न उठना लाजमी है, चाहे वह धर्म का प्रश्न हो, चाहे वह कर्म का प्रश्न हो, चाहे किसी भी पहलू का प्रश्न हो, पर कहीं ना कहीं यह दुविधा हमारे सामने आ जाती है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान आपको फॉलो करना है, यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आपको फॉलो करना है। यदि आप सड़क के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कैमरे में आपका फोटो आ जाएगा या पुलिस वाला आपका चालान काट देगा। वह भी छोड़ दें तो आप किसी ना किसी को ही रोंद दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम धर्म की बात करते हैं तो कोई भी गुरु बन जाए, कोई भी गुरु घंटाल आ जाए, कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें कर दे, उसको नहीं मानना है। स्वयं श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं उसको याद रखना है। तो ये 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक सब मनुष्यों के लिए एक तीर का काम करते हैं कि उनका टारगेट क्या है, वह पाना क्या चाहते हैं और उनको क्या फॉलो करना चाहिए। मन से निकली हुई बात नहीं फॉलो करनी है, शास्त्र में जो बात लिखी है वह फॉलो करनी है। 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो मनुष्य शास्त्र आदि को छोड़कर अपनी इच्छाओं से मनमाना आचरण करते हैं, यानी कि तुम्हारा जो मन है वह है कामना के अधीन, और उसी कामना से तुमने एक पद्धति निकाल ली और तुमको मानने वाले भी पद्धतियों को मानना शुरू कर दिए। आज तो भाई साहब दिक्कत ये होती है, जैसे कोई मान लो किसी ने बोला कि भाई पंखे वाले बाबा या फिर कोई चिमटा वाला बाबा कि तुम्हारी पीठ पर एक चिमटा पड़ेगा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 10 की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, 100 लोगों को ले आते हैं, चिमटे पड़ते जाते हैं और वह एक धर्म बन जाता है। श्री कृष्ण ऐसों को बिल्कुल त्याग देने की बात करते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छाओं से मनमाना आचरण करता है। तो यदि तुमको कोई ये बोले कि भाई ये सब सुन लीजिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो वह शुरुआत ही नरक के द्वार से हो रही है, काम से हो रही है, तो वह तो निश्चित रूप से तुम्हारा कोई लाभ करने वाली नहीं है। ना तुम्हारी बुद्धि विकसित हो पाएगी और ना तुम धर्म के मार्ग पर चल पाओगे। चेतावनी है श्री कृष्ण की, संदेश है श्री कृष्ण का, बात मान लेना मस्त हो जाओगे, धर्म को भी पा जाओगे। तो जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि ना सुख और ना परम गति को प्राप्त होता है। तुमको लगेगा कि भाई मैं वहाँ पर गया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तुमको ऐसा आभास होगा कि वहाँ पर चिमटा खाने से मेरे घर में खुशियाँ आने लग गई, पर प्यारे वो आपके प्रारब्ध का था।
किसी ज्योतिषी के पास जाते तो वह भी आपको ये सब बातें बता देता। उसमें उस चिमटा खाने की कोई बात नहीं थी, और वह चिमटा खाना ही तुम्हारे परिवारों का रिवाज बन जाए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होती प्यारे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होती। और श्री कृष्ण यहाँ पर खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर छोड़ कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सिद्धि मिलेगी, ना उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। ध्यान देना, सारे के सारे धर्म का मार्ग केवल और केवल अंतःकरण की शुद्धि करना है। ये तुम गीता भी सुन रहे हो ताकि तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो पाए। हाँ, तुम गीता सुनते 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 तुम्हें कुछ सो कॉल्ड इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो गई, वो तुम्हारे पुण्य बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा भाग्य उदित हो गया। उसमें स्वामी श्री मोहित का कोई योगदान नहीं है, वह तुम्हारा पुण्य है, पर कोई पाखंडी उसमें अपना बोलता है कि मेरी ये सिद्धियां हैं, वो गलत। जो तुमने वहाँ पर श्रद्धा से, अपनी भक्ति से जो भी तुमने किया, उसका शायद कुछ एकाध प्रतिशत फल था, पर वह फल तो बिल्कुल न्यून दर्जे का है। फल क्या होना चाहिए, सिद्धि क्या होना चाहिए कि तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, तुम कामना से रहित हो जाओ। ईश्वर के सामने जा करके यदि कामना ही मांगी और कामना पूरी हो गई तो तुम काम काम कामी पुरुष हो जाओगे। और यदि गीता का ज्ञान सुन करके तुम कामना लिए आए थे पर काम से रहित हो गए, काम को त्याग गए, तो तुम जीते जी नरक के द्वार को छोड़ दोगे, यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो जाएगा। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार चले, मैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहा हूँ, कि जो शास्त्र विधि के अनुसार चले वह अंतकरण की शुद्धि भी कर लेगा, सुख को भी पाएगा और परम गति को भी पाएगा। अब प्रश्न आता है कि शास्त्र क्या होते हैं, प्रमाण क्या होता है। श्री कृष्ण ने जब यह बात कही, श्री कृष्ण ने जब यह गीता का गीत गुनगुनाया, अर्जुन को समझाया, उस समय पर इतनी पुस्तकें अवेलेबल नहीं होंगी, उस समय पर इतना ज्ञान अवेलेबल नहीं होगा, उस टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था कि हर कोई ज्ञानी बना हुआ है। वह शायद युग अच्छा था, वह शायद युग बढ़िया था। आज के युग में यह जो मैं बात कह रहा हूँ कुछ कुछ लोगों तक ही पहुँचेगी, सब लोगों तक तो पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी वही जिसका प्रोपेगेंडा होगा, भगवान उनका भी भला करे, पर जैसी हरि की इच्छा। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र आप ये कह सकते हैं कि उस काम रहित सिद्ध पुरुष की वाणी से जो निसृत हुआ सो ही शास्त्र है। जिसके भीतर कामना है वह कोई शास्त्र नहीं लिख पाएगा। तुमने ध्यान दिया होगा उपनिषदों में किसी भी ऋषि का नाम नहीं है। कितना सुंदर रहा होगा, आज तो कॉपीराइट पेटेंट हो जाता है, कोई गीता के ऊपर पुस्तकें लिखे तो वह कॉपीराइट कर लेता है। आधार लिया श्री कृष्ण की गीता का, कॉपीराइट तुमने अपने नाम का बनवा लिया, कितना वासना रही होगी, कितना काम दबा होगा। पर शास्त्र वह जो बुद्ध पुरुषों के मुख से निसृत हुआ और फिर कुछ उनके शिष्यों ने उन सूत्रों को जनमानस के कल्याण के लिए लयबद्ध लिपिबद्ध किया, सो ही शास्त्र। यदि तुमको लगे कि भाई कोई संबुद्ध पुरुष मुझको नहीं मिल पा रहा, तो कुछ और ना हो सके तो सीधा गीता को ही उठा लेना, गीता को ही पढ़ना शुरू कर देना, गीता तुमको उत्तर दे देगी, तो गीता को ही प्रमाण मान लीजिएगा, इस सदग्रंथ को ही प्रमाण मान लीजिएगा, इसमें भी भलाई ही भलाई होगी। यदि तुमको यत किंचित किसी पर आस्था ना बन पाए, कोई श्रद्धा का जन्म तुम्हारे भीतर ना हो पाए, तो गीता को ही प्रमाण मान लेना, गीता को ही
अपने हृदय से लगा करके प्रणाम कर करके खोलना समझना और यदि किस्मत हो तो किसी के पास बैठ करके समझना और एक 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 श्लोक का अर्थ समझते हुए अपने जीवन में लेकर के आना उन अर्थों को। और जब तुम रूपांतरण महसूस करोगे तो तुम्हें अपने आप मन में घंटी बजेगी कि ये जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है, कि कौन मुझे कामी होने के रास्ते पर धकेल रहा है और कौन मुझे आत्म चिंतन के रास्ते पर ले करके जा रहा है। ये तुमको खुद तुम्हारा मन गवाही दे देगा। 24वां श्लोक लेता हूँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्जुन क्षत्रिय है धर्म से, अर्जुन का कर्म है युद्ध भूमि में जाकर के अपने शत्रुओं को मारना। अर्जुन यहाँ पर बात कर रहा है ब्राह्मणों जैसी, अर्जुन यहाँ पर बात कर रहा है तपस्वियों जैसी। कि मैं क्यों कर रहा है? क्योंकि सामने उसको अपने रिश्तेदार दिख रहे हैं। वही बात सामने आ गई कि सामने लोभ आ गया अर्जुन के कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा। पहले क्रोध था, फिर लोभ जन्म ले गया। लोभ ने कहा कि अपने रिश्तेदारों को मारने का क्या फ़ायदा भाई, तुम बहुत अमीर हो जाओ और अमीरी के बाद तुम अपना पैसा दिखाने के कोई यानी तुम्हें मिले ना, तो तुम कहोगे कि मेरा पैसा किस काम का। ऐसी बुद्धि अधिकतर होती है। तुम बोलोगे कि ये पैसा मैंने कमा तो लिया पर पैसा दिखाऊं कैसे, इसीलिए तुम देखो शादी तो वही होगी पर कितनी 20 लाख 25 लाख डेस्टिनेशन वेडिंग तुमको दिखाई देगी। क्योंकि वह लोभ, लोभ कहाँ से जन्म लिया? कामना से। और यहाँ पर अर्जुन के मन में भी लोभ जन्म ले चुका है और श्री कृष्ण उस लोभ को मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? अर्जुन को उसका धर्म याद करा करके कि जो शास्त्र में धर्म है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है, ना कि जंगल में जा करके तपस्या करने का। तो अपना गांडीव धनुष उठाओ अर्जुन। और यहीं पर श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं अर्जुन को कि तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तुमको करना क्या है? तुम अपने जीवन में करना क्या चाहते हो? उसमें केवल और केवल शास्त्र का ही सहारा लीजिए। जैसे यदि भारत में रह रहे हो तो भारत के संविधान का सहारा लीजिए। जैसे ही आप भारत के संविधान को समझ लेंगे, भारत में रहना आपके लिए सुखदायी हो जाएगा। भारत का संविधान आप अमेरिका यूएसए में नहीं लगा सकते, यूएसए अमेरिका का संविधान आप भारत में नहीं लगा सकते। उसी तरह से जो धर्म का संविधान है उसमें शास्त्र ही सबसे ऊपर मान्य है। तो शास्त्रों में जो कर्तव्य अकर्तव्य की व्याख्या दी गई है उसको समझ करके ही अपना धर्म कर्म करना चाहिए। इसमें ये नहीं समझ लेना चाहिए भाई मैं यानी ठहरा, मान लो जैसे अर्जुन की बात है, अर्जुन क्षत्रिय है और वो बात कर रहा है सब कुछ त्याग कर भाग जाने की, तो ये तो कोई बात ना बनी, ये शास्त्र इसकी अनुमति ना देते। इसलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि शास्त्र का आधार ले मेरे भाई, और इस शास्त्र का आधार ले करके फिर रणभूमि में खड़ा हो जा। क्योंकि ऐसा करके, ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। सभी लोग यदि तपस्या करने लग जाएंगे तो युद्ध भूमि पर कौन जाएगा? यदि सभी बोलें कि हम भाई शास्त्र को पढ़ाना शुरू कर दें तो पढ़ने सुनने वाला कौन रहेगा?
यदि सभी बावर्ची बन जाएंगे तो होटल में जाने वाला कौन रहेगा? तो जिसकी जैसी जैसी ड्यूटी है उसको वैसे वैसे फॉलो करना है। अब प्रश्न ये आता है कि शास्त्र में जो कर्तव्य और अकर्तव्य हैं मनुष्य के लिए वो कैसे मालूम पड़े? भाई उसके लिए तो फिर शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सोते सोते तो कुछ भी ना होगा, सोते सोते तो तमस छा जाएगा, और जैसी तमस छाएगा तो फिर तो इन बातों का कुछ ख्याल भी ऐसे मनुष्य के भीतर नहीं आएगा। वह मनुष्य फिर अग्रसर होने के बजाय पत्थर के न्यायी बिल्कुल निकर्ष हो जाएगा, और जैसे ही ऐसी अवस्था मनुष्य के भीतर आएगी तैसे ही उसका जीवन के ह्रास होगा, ना उसको आध्यात्मिक उन्नति मिल पाएगी ना सांसारिक उन्नति मिल पाएगी। इसलिए शास्त्र को समझिए, शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र को सुनिए, और यदि कोई श्रवण करवाने वाला मिल जाए तो अपने आप को धन्यभागी समझिए कि ऐसा ज्ञान आपको श्रवण करने को मिल रहा है।